अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। नया जो टॉपिक है वो तुर्की से रिलेटेड है। हर किसी का ना एक कॉमन क्वेश्चन होता है जब भी वो तुर्की ट्रैवल करता है या किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करता है। मेरे मेरे माइंड में भी था जब मैं तुर्की ट्रैवल कर रहा था। मैंने फिर काफ़ी लोगों से मशवरा लिया, काफ़ी लोगों से पूछा यार क्या करना चाहिए। देन जब मैं तुर्की गया हूँ तो फिर उस चीज़ का ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे क्या करना चाहिए था ना। वो कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप करेंसी कौन सी लेके जाएं। अब लोगों के माइंड में ना कन्फ्यूजन होती है, क्या वो डॉलर लेके जाएं, क्या वो लीरा लेके जाएं जो कि तुर्की की करेंसी है, क्या यूरो लेके जाएं या पाकिस्तानी रुपीज़ लेके जाएं। तो मेरे माइंड में भी ये कन्फ्यूजन थी। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो किसी ने मुझे कहा कि डॉलर ले जाओ, कोई कहता यूरो ले जाओ, कोई कह रहा था कि लीरा ले जाओ। तो मैंने क्या किया, डॉलर भी ले गया, यूरो भी ले गया और लीरा भी ले गया ना। जब मैं वहाँ पहुँचा, बेसिकली चलते तो लीरा है वहाँ पे, तो आप जो भी चीज़ परचेज करते हैं वो लीरा में ही परचेज करते हैं। अगर आपके पास डॉलर है या यूरो है तो आपको एक मनी एक्सचेंज होती हैं, उसके ना डोविज कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तुर्की में। तो वो आपने ढूंढनी होती है, वहाँ से जाके आपने क्या कराना होता है, एक्सचेंज कराना होता है, लीरा में पैसे कन्वर्ट कराने होते हैं। अब ये इशू आता है कि यार आप सिटी में हैं और आप डोविज ढूंढ रहे हैं ना, मतलब मनी एक्सचेंजर ढूंढ रहे हैं, आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होती है क्योंकि नया सिटी होता है। तो मुझे भी डिफ़िकल्टी हुई जब मैं डॉलर और यूरो को कन्वर्ट कराने के लिए ना भागता फिर रहा था। देन मुझे वहाँ जाकर एक और चीज़ पता चली कि मैं वैसे जो अपना कार्ड एक मेरे पास था, मास्टर कार्ड HBL का था या वीज़ा कार्ड, कोई किसी भी आपके पास बैंक का हो, अगर आपके उस बैंक जो आपके कार्ड पे अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन है तो आप तुर्की में लीरा ATM यूज़ करके ना निकलवा सकते हैं। अब ATMs भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक जो ATM है वो ज़ियारत बैंक सी के नाम से है, ZIRAAT। ये क्या है, इसमें ना जो ट्रांजेक्शनल चार्जेस है वो ज़ीरो है। मीन्स के जैसे HBL के आप किसी और बैंक पे जाते हैं, कोई और ATM यूज़ करते हैं तो आपको 3% बेसिकली वो आपके ना अमाउंट डिडक्ट करते हैं। लाइक अगर आप 100 लीरा निकलवा रहे हैं तो बेसिकली 3 लीरा जो होगा वो चार्जेस होंगे HBL के या कोई भी पाकिस्तानी बैंक है। जो ज़ियारत बैंक है उनकी स्टेट ओन्ड ये बैंक है, उसके जो ट्रांजेक्शनल चार्जेस है ना वो ज़ीरो है। मीन्स कि आपने ATM यूज़ करना है, आपके अमाउंट में पैसे हैं, आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन है, तो आप क्या करते हैं कर सकते हैं, इस ज़ियारत बैंक जिस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ना, तो आप ये बैंक ढूंढ के ना इसमें से बेसिकली लीरा निकलवा सकते हैं। अगर आपके जो बैंक ATM कार्ड है उस पर अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपने ऑन कराई हुई है, ऑन कराना काफ़ी आसान होता है। आपने सिर्फ जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं, इनकी हेल्पलाइंस होती हैं, किसी भी बैंक, कोई भी बैंक है, HBL है, ABL है, UBL है, आपने बस कॉल करनी है और उनको ना कहना कि यार मैंने तुर्की जा रहा हूँ इतने देश के लिए तो मुझे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन कर दें। तो आप तुर्की में जाके ज़ियारत बैंक बेसिकली यूज़ करें और विदाउट एनी डिडक्शन आप वहाँ से ना लीरा निकलवा सकते हैं। तो अगर आपके पास डॉलर हो या यूरो हो तो आपको वहाँ कन्वर्ट कराने पड़ेंगे। अगर आपके पास इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन हो तो आपको कोई मसला नहीं है, आपने कोई भी ATM यूज़ करनी है और आपने कैश विदड्रॉ करा लेना है। तो ये मैं आपको ना एक गाइड करूँगा इस चीज़ का। तो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करें और ज़ियारत बैंक ढूंढें। आई होप आप लोगों के लिए ये चीज़ हेल्पफुल होगी जब आप तुर्की में जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और लाइक कर दें। मैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो शेयर करता रहूँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।